क्या वाकई में एक 10 साल की लड़की किसी की जान बचा सकती है? बात है दिसंबर 2004 की, जब टीली स्मिथ नाम की एक 10 साल की लड़की अपनी एक छोटी सी बहन और अपने मम्मी पापा के साथ थाईलैंड के फुकेट आइलैंड के एक बीच पर टहल रही थी। बीच के पास ही उनका होटल भी था। ये परिवार छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड आया हुआ था। आने वाले किसी भी तरह के खतरे से बेखबर सैकड़ों सैलानी बीच का लुत्फ उठा रहे थे। तभी टीली की नज़र समंदर के पानी पर पड़ती है। उसने देखा कि समंदर का पानी अचानक से पीछे जाने लगा है और किनारे पर कुछ बुलबुले से दिखाई पड़ते हैं। उसे तुरंत अपनी कुछ दिनों पहले की क्लास का सबक याद आ जाता है, जो हाल ही में उसके शिक्षक ने उसे सिखाया था। टीली तुरंत अपनी माँ को कहती है, माँ सुनामी। उसकी माँ ने ये सुनते ही वहाँ बीच पर मौजूद लोगों को और होटल के स्टाफ को सूचित किया और देखते ही देखते पूरे बीच और होटल को खाली करवा दिया गया। कुछ समय के बाद ही वहाँ सुनामी आ गई। और जब कुछ दिनों के बाद सुनामी के दौरान गायब हुए या मारे गए सैलानियों का विश्लेषण आया, तो थाईलैंड का वो एकमात्र ऐसा बीच था जहाँ से किसी की भी गायब होने की या मरने की खबर नहीं आई थी। सोचिए, एक 10 साल की छोटी सी लड़की की समझदारी और ज्ञान की वजह से कितनी जिंदगियां बच गई। सोचिए कि इंग्लैंड में 10 साल के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, और ये भी सोचिए कि हमारे देश में हम 10 साल के बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। ये कि अकबर कौन था, रानी लक्ष्मीबाई ने किला कैसे जीता, ये ज्ञान कितना व्यवहारिक है, ये एक सोचने का विषय है। हमारे स्कूल बस लगे हुए हैं बच्चों को टॉपर बनाने में। अब ये भी सोचिए कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि सुनामी क्या है और अगर सुनामी आने वाली है तो समंदर की लहरों में क्या परिवर्तन आएगा, तो समंदर के पानी को पीछे जाते देख वो तो यही सोचेगा कि वो कितना भाग्यशाली है कि ईश्वर उसे ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य दिखा रहा है कि समंदर का पानी पीछे जा रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान ही सब मुसीबतों का हल है। ये छोटी सी कहानी सिर्फ इसीलिए कि हम बच्चों को अपने इतिहास, अपनी संस्कृति का ज्ञान तो अवश्य दे, पर उनको वो व्यवहारिक ज्ञान भी दे जो जीवन में किसी मुसीबत के समय उनकी मदद कर सके। अगर कोई शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरी एक गुजारिश है कि अपनी ओर से कोशिश करके कुछ प्रयास जरूर करें कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा दिया जा सके। कितने स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर कितने लोग उसको चला पाएंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोग कम से कम कुछ सोचने पर मजबूर हो। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारी आँखें वो चीज नहीं देख पाती जिस चीज के बारे में हमारे दिमाग को कुछ नहीं पता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो सचमुच पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ साझा कीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।